क्या है? बच्चों को स्कूल से पिकअप कर दिया और मैडम को योगा सेंटर छोड़ दिया। ब्रोकली आउट ऑफ स्टॉक था तो कॉलीफ्लावर लेके आओ। आपका व्हाइट और मैडम का पिंक बेबी पाउडर मैंने गाड़ी में रखा है, लेकिन आपका इच कार्ड नहीं मिला। जाओ। यस प्लीज। ए टॉकिंग टू मी? इंडियन है? कमाता हूँ धर्म में लेकिन खर्चता हूँ रुपए में। खाता हूँ इनकी लेकिन सुनता हूँ सर मोदी जी की। अरबिक बोलता है? पैदा हुआ था भेंडी बाजार के अगल में, लेकिन जवानी आई है बुर्ज खलीफा के बगल में। इतनी अरबी तो बोल लेता हूँ कि इनका घर चला सकूं। शहर से वाकिफ है? जुनेद अभी अकादमी से निकला है, पिछले 2 महीने से एक मिसिंग कुत्ता नहीं ढूंढ पाया है। उस कुत्ते की वजह से ना मैं शहर के हर गली कोने और कब्जे से वाकिफ हूँ। बाहर जाके गाड़ी स्टार्ट कर, मैं आता हूँ। ड्राइवर नहीं हूँ मैं, प्यार से बोलना। सईद भाई आप मुझे एड्रेस मैसेज कर देना, मैं इन्हें पहुंचा दूंगा। What the hell are you doing? Junaid is just Saroki. उसे कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है। Perfect. और इस केस के दौरान मैं जो लॉस तोड़ने वाला हूँ उसके लिए एडवांस में माफी चाहता हूँ। पहली बार किसी ने मेरे लोकेशन सर्विसेज और मल्टीलिंगुअल टैलेंट की कदर की है। हाय जुनैद, अगर फ्यूचर में जिगरी हो गए देन यू कैन कॉल मी जे। कबीर। सो के क्या करते हो? स्पेशल टास्क फोर्स इंडिया। हार्ड है यहाँ क्यों? शॉपिंग फेस्टिवल? जरा फास्ट चला। अरे मैं पुलिस वाला होके भगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? साइड पे रोक, मैं चलाता हूँ। आप समझे नहीं, अगर आप भगाओगे मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि म्यूजिक ब्लास्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं है। चार बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोका। सो सारी रात आरूज बनू पानी, पार्टी करने वालों की यही कहानी, पेट भर के जितने भी पी लो, किसी भी बंदी को भी हेलो हेलो बेबी हाउ डू डू। एक मिनट जो खड़ जा तू, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे साथ कभी कोई क्लब नहीं जाता। हनी सिंह को ठोक दिया तूने? क्यों? मुझे ये गाना पसंद नहीं है। अरे तो बोल देते यार, म्यूजिक सिस्टम तोड़ने की क्या जरूरत थी? चुपचाप गाड़ी चला वरना बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा यहाँ। लेट्स क्लियर दिस नाउ। कौन से गाने सुनकर आपका टाइसन भारत है? सब कुछ सिवाय मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के। मेरे जजमेंट में मिका और हनी एवरग्रीन है। डोंट जज मी, आई लाइक देम। कबीर शेरगिल, पुलिस डिपार्टमेंट, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। किस बारे में? जुनैद अंसारी। सेम मिशन। ओके, कैन आई गेट यू बॉय समथिंग अ ड्रिंक? एक्चुअली ड्यूटी पे अलाउड नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। वेरी गुड। कल रात को विराज शर्मा आपकी गाड़ी में गया था और जब वो अपने कमरे में वापस लौटा तो उसका फोन और वॉलेट दोनों मिसिंग थे। तो हम जानना चाहते हैं कि कल रात को हुआ क्या था। कैप्टन सही था, तू सिर्फ सब्जी मंडी जाने के लायक है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से हमें पहले विक्टिम से बात करनी चाहिए, लेकिन हम पहले सस्पेक्ट के पास गए। कई विक्टिम खुद तो मिसिंग नहीं है। तू जितना बेवकूफ लगता है उतना है नहीं। और आप जितने सड़ू लगते उतने बन नहीं पाए। लेकिन वो मोबाइल में फोटोज का क्या सीन है? अगर गाड़ी मुझे चलाने देगा तो तुझे सारे सीन समझा दूंगा। राज शर्मा किडनैप मतलब अगवा। मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता लेकिन सुना है नई मिस इंडिया से डेट करी है, मतलब फॉर्म में होगा। और कल फाइनल है, मतलब पाकिस्तान की तो निकल पड़ी। कोई चांस नहीं है ऐसे टैक्सी मिली होगी विराज को। एथलीट्स नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसे एक आदमी अकेले किडनैप नहीं कर सकता। एक आदमी है जिसे दुनिया के सारे झोल होने से पहले ही पता चल जाता है। काम का है? उसामा का अबोटाबाद वाला एड्रेस कौन लेके आया? वो भी दूध वाले से। इंडिया का 2G स्कैम अपने लैंडलाइन से किसने एक्सपोज किया? किसने? खबरी चाचा।
अगर अमेरिका वालों ने सितंबर 10 को इसका फोन उठाया होता ना तो सितंबर 11 होता ही नहीं। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम मेरे राजा। कैसे हो चाचा? मेरा नाम पंटर है, मतलब पाटर। कबीर शेरगिल, स्पेशल टास्क फोर्स। तुझे कैसे पता? अंजुम तो कवाला रे। कहो दिएगा ना? इंडियन क्रिकेटर विराट शर्मा का फोन और वॉलेट खो गए और उसमें उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इंडियन हुकूमत ने एक स्पेशल टास्क फोर्स वाले को भेजा एक पटवा ढूंढने के लिए। अरे कावा इधर बेटा। विराज के बारे में कुछ पता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पटुए के साथ साथ विराज भी गायब हो गया हो? कभी सुन चाचा, मैंने बहुत चाचियों को बेवा किया है, जुने समझा इसको? नहीं समझा सकता। ये अरबियों का डोंगरी है बेटा, यहां शांड पत्ती सिर्फ शाणों पे चसती है, पुलिस वालों पे नहीं। विराज को ढूंढने की गर्मी में कहीं तो खुद ही ना खो जाए, संभाल के। इनका मालूम मुंडू खदात सदीकत हो हुआ सारा मजनून आए मकान यूरो यूक्रेन बंदूक किए थे चाचा इस महाली आला हालत हिल मरती है। वो क्या रहा है इधर? मैं माफी चाहता हूं बेटा, ये लेडीज लोगों का ना यही लोचा, भरोसा करो मतलब गद्दारी करेगी। क्या चाचा माफी मांग रहे? उन्हें बुरा लग रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा है? एक बात मैं समझा नहीं, खबरी ये है कि तू कबीर मिल गया खिलाड़ी। चीयर्स।
ओए, कितना राजमा बना है? पूरे हफ्ते एक खिलाओगी क्या? इस चिली कॉर्न कार मैक्सिकन। रॉबी, चलो फटाफट आगे खाना फिनिश करो, होमवर्क करना है ना, फास्ट कम। या तो मैं होमवर्क करूंगा या तो मैं खाऊंगा। गेट आउट दैट कैसियर राइट अवे मां, कम। ओया, अगर तूने खाया ना तो सैटरडे तेरे को डेंटिस्ट के पास लेके जाऊंगा, और अगर तूने नहीं खाया ना तो पिक्चर दिखाऊंगा, समझा? नहीं समझा। मम्मा पापा क्या बोल रहे हैं? मुझे भी नहीं पता बेटा। हाउ इज इट? ये पड़ी रोम्ब नल्ल इकली रूम। यो इरक, थोड़ा ज्यादा बन गया है, पूरा हफ्ता तो खा लोगे ना? कल रात अपने आर्टिस्ट को भी बुलाया था इसके पार्टनर का स्केच बनाने के लिए, नतीजा ये निकला। जानता कौन है? रंजीत एक्टर घुमा रहा है, साला बना रहा है। सर, मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं फील कर सकता आपका पेन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। जय ने गोली मारी, मैंने बोला इंस्पेक्टर साहब को। जय, एक मिनट ले सकता है क्या? एक मिनट। मेरे को लगता है जयंत को इन्होंने कमती कर दिया है, पूरा पैसा खोपचे में ले लिया है। मेरे को डाउट थी लोगों को, यह ऐसा हो सकता है कि 50-50 कर लिया सेटिंग करके। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने गोली नहीं बताया, जो पुलिस को बताया, जो न्यूज़पेपर में छपा है, और कुछ भी नहीं बोला। सॉरी। तुमने उसे मेरे बारे में बताया? तुम्हारे बारे में क्यों बताऊंगी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और कुछ बोला? बहुत देर तक बस मुझे ऐसे देखता रहा, खुश था मुझे देख के। तुम भी खुश हुई? खुश हुई तुम? देखो, मैं तुम्हारे कहने पे मान गई थी, और मुझे लगता है उसने कुछ किया है। बेचारा फंस गया है फालतू में, और वो ना मुझे झूठ नहीं बोलेगा। अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट मत करो, तो मेरा पैसा भी दो। मुझे मुकेश का कमीशन भी देना होता है, 100 खर्चे हैं। थैंक यू। थैंक यू।
फिल्में देखते हैं? कभी कभी। अकेली लड़की सुनसान रास्ते पे आधी रात को जब लिफ्ट लेती है तो या तो ड्राइवर सीरियल किलर होता है या लड़की भूत। आप नेगेटिव सोचती हैं, रोमांटिक फिल्म भी हो सकती है। एक अजनबी हसीना से। ओके ओके ओके। मेरा एक मोटा सा हस्बैंड है और उसके पास आपकी गाड़ी का नंबर है। सच्ची? ऑफ कोर्स, मैंने मैसेज कर दिया। आशिक हो या किलर, पकड़े जाओगे। पकड़ा गया मैडम। Oh, you're married. Thank God for that. I was really scared. Oh, she's so lovely. And he's so adorable. क्या नाम है? Misha. Robin. Oh, very cute, yeah. आपकी भी लव मैरिज है? Oh, sorry. मैं just एक शादी से लौट रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बस वही चीज है। You don't have to answer that at all. Love so, marriage. हमारी भी लव मैरिज है। हमारा एक रेस्टोरेंट है, कोंकण क्वीन। आपका है? हाँ, विमान नगर पे। इट्स द बेस्ट सी फूड इन पुणे। पर आप निशा और रॉबिन को लेके क्यों नहीं आते? प्लीज कम। या कंचन, रघु, टेक केयर कंचन। हेलो लाए, तू इधर क्या कर रहा है? तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। सीखा वेट कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा? कौन दोस्त? कौन? तेरी बीवी को हरमन ने नहीं, मैंने मारा था। कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। दो मिनट के लिए तेरी बच्चा गिर गया था, बीवी चिल्ला रही थी, अचानक मेरे अंदर से गन निकली और मैंने मार दी। मेरा गर्म दिमाग हो गया था। तेरा तो ठंडा दिमाग था, दो लोगों को मार दिया हथौड़े से, और वो भी निर्दोष। क्या फर्क था? पागल हो गया तू? इलाज करा ले अपना।